मिले हुए हैं, सब धन के लालची हैं, सब झूठे हैं। सच सिर्फ एक है, अंकुश रह जाके हाथ मेरे माँ बाबा के खून से रंगे। देख लिया जो देखना था, मान गई जो आज तक नहीं मानी तुम। हाँ शेषा, जब मैंने ऋतिक को अंकुश रहजा के अतीत के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं इतनी गलत कैसे हो गई? मैंने ऋतिक को इतना सही कैसे मान लिया? चिवन्या, मैंने तुम्हें बार बार समझाया लेकिन तुम्हारी सोच नहीं बदली। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। नागमणि ले गया वो, पर हमें उसे वापस लाना है। आज रात नागमणि का सौदा करने वाले हैं वो लोग, और वो पांचवा कातिल वो अंकुश रहेजा के साथ जाने वाला है। हमें वो नागमणि भी वापस लानी होगी और वो पांचवे कातिल का चेहरा भी देखना होगा। पर कैसे शेषा, हम तो जानते तक नहीं है कि वो सौदा कहाँ होने वाला है। वो तुम्हें पता लगाना होगा शिवन्या। हाँ शेषा, मैं पता लगाऊंगी। आज की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है। आज की रात हमें शिव जी के चरणों में नागमणि अर्पित करनी है, और हम करेंगे। हे शिव जी, आज आपके सबसे बड़े भक्त जा रहे हैं आपकी मणि लेने। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हाँ हमारा नागमणि ले जाए, वैसे तैयार है ना? हाँ, कहाँ पे आना? स्टार होटल का कॉन्फ्रेंस रूम में। ओके ओके, हाँ एड्रेस दो। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये वो पता है जहां नागमणि का सौदा होगा। शेषा को बताना होगा। अंकुश रहेजा, ये नागमणि हमारे शिवजी की धरोहर है, शिवजी के पास ही जाएगी। नागमणि के सौदागरों आ रही हूं मैं। आपकी खिदमत में हमारा सलाम। सलाम सलाम, आप दोनों की तारीफ। अंकुश रहेजा ने हमें भेजा है। वो क्या है ना, उन्हें आने में थोड़ी सी देरी होगी, इसलिए जब तक वो नहीं आते तब तक हम आपका दिल बहलाएंगे। ऐसे बहलाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। वल्ला वल्ला, आइए आइए, आप दिल बहलाइए। क्या क्या कर सकती हैं आप हमारे दिल के लिए? कुछ भी, जो हम लेने आए हैं, मतलब आपका दिल, उसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्या करें बताइए, कौन सा जलवा देखेंगे आप? हमारा जलवा जो भी देखता है वो ऊपर चला जाता है। मतलब हवा में घूमने लगता है। देखेंगे हमारा जलवा? वल्ला खूबसूरत हसीनाओं, रात और रंगीन बनाइए आप। दिखाइए जलवा, दिखाइए। तो देख लो। दे दिया निद्राविश, अब कुछ घंटों तक बेहोश रहेंगे और हम अपना काम कर जाएंगे। हबीबी सलाम। सलाम। वो आ गया, वो पांचवा इंसान, वो पांचवा कातिल आ गया। लेकिन ऋतिक नहीं आया शेषा। इसका मतलब वो उन कातिलों में शामिल नहीं। फिर पागलपन, फिर दीवानगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऋतिक ने ही इस पांचवे कातिल को यहाँ भेजा है।
जिसने जिसको भेजा है, कौन यहाँ आया है, हमें बस अपने काम को अंजाम देना है, यही याद रखना। तो आओ सौदा करो, आओ देख लो हमारा ये रूप भी देख लो। सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज आए नहीं वो आपके साथ जो हमेशा आते हैं? वो आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, मैं वो लेके आया हूं जो आपको चाहिए। ये रही आपकी नागमणि। नागमणि हमारी धरोहर है बूढ़े, अभी पहले तो ये नागमणि हासिल करनी है, फिर देख लेंगे कहां रह गया वो पांचवा कातिल। लाइए दीजिए नागमणि। ऐसे नहीं, पहले पैसे, एक हाथ से पैसे दीजिए और दूसरे हाथ से नागमणि लीजिए, यही सौदा हुआ था ना। ये लीजिए, विश्वास नहीं तो गिन भी लीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक ही है, गिनती शुरू कर दी तो बूढ़े से महाबूढ़ा हो जाएगा, फिर मेरे दिल का क्या भरोसा, क्या पता डस लूं तुझे। लाओ दो नागमणि। ठीक है, लाओ दो नागमणि। नागमणि तो मिल गई, पर वो पांचवा इंसान ऊपर क्यों नहीं आए? वो हमारे सामने आए और हम उसे देख भी ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। शेषा तुम ये नागमणि लेकर शिव मंदिर जाओ, गुरुदेव के पास। मैं अंकुश रहजा का पीछा करूंगी, आज पता लगा कर रहूंगी कि वो पांचवा कातिल है कौन। ठीक है शिवान्या, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये लो, मिल गया। पूरे 200 करोड़ ले आए। फालतू में आप नागिन से डर कर ऊपर नहीं आए, कुछ नहीं हुआ। मणि दे भी आया और मणि ले भी आया। ज्यादा उछल मत मालिए, किस्मत वाला है तो आज नागिन तेरे रास्ते में नहीं आई, लेकिन मैं भी कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। खैर छोड़ो इन बातों को, हमें ये पैसे चाहिए थे, वो हमें मिल गए। कोई नागिन वागिन नहीं है। नीचे उतर। नहीं 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 नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो नागिन मुझे मार देगी और आप पैसे लेके चंपत हो गए ना, ये चाहती हो ना? नहीं मैं नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। ये बकुल मौली का मौली ही रहेगा तू, ये पैसे ले और भाग यहां से। ये नागिन इन पैसों के लिए नहीं आई है और ना ही तेरे लिए आई है। मैं जानती हूँ ये यहाँ किस लिए आई है और क्यों आई है, पैसे ले और भाग यहाँ से। लेकिन नागिन है ना, मैं संभालूंगी। उतर, नीचे उतर, भाग उतर। मैंने कहा भागो, भाग नीचे। क्या हो रहा है, पैसे लेकर कहाँ जा रहा है अंकुश रहेजा? जाने दो, मुझे तो आज इस पांचवें इंसान को बेनकाब करना है, इसे अंदर से बाहर लाना है, इसका चेहरा देखना है मुझे।
ये क्या हो रहा है? मेरा बात पलट के मुझ पर ही क्यों आ रहा है?